हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और भाई यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया गेम और इसका नाम है बैक्सो सिमुलेटर। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गेम में हमें क्या करना है। तो भाई इस गेम में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपना एक छोटा सा बिजनेस खोलना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई, आपके गली मोहल्ले में यहाँ पर लोग मोमोज बेचते होंगे या समोसे बेचते होंगे या फिर यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड वगैरह बेचते होंगे। तो बस हमें भी वही करना है, एक मोमोज का ठेला तो नहीं लगाना है, पर हाँ ठेला ही लगाना है। पर हमें जो बेचना है उसका नाम है बैक्सो। और भाई ये भी खाने वाली ही चीज है, जिस तरीके से मोमोज होता है वैसे ही ये भी होता है। तो चलो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको शुरू करते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैंने गेम को शुरू कर दिया है और देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर भाई सामने एक बंदा मुझे दिख रहा है और ये मुझे बोल रहा है हालो। अबे भैया हालो नहीं, हेलो होता है वो, लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा, इसने मुझे बहुत टाइम से देखा नहीं था। और ये मेरा एक दोस्त है और भाई ये हम दोनों ने एक सपना देखा था एक मिलकर बिजनेस शुरू करने का, तो हम अभी वो शुरू करने वाले हैं और वो अपना बैक्सो बिजनेस ही होगा। और भाई यहाँ पर मैं जो है वो बिजनेस पर फोकस करूंगा और ये भाई खाना पका कर लोगों को देगा खाने के लिए, मतलब खाना नहीं वो जो चीजें होंगी वो। और भाई इसने अपना पुराना बिजनेस छोड़ दिया है क्योंकि इसको भाई किसी ने जो है इसके साथ स्कैम कर लिया था, जिसका नाम मैजेक था। और पता नहीं ये मुझे क्यों बता रहा है, मैं भाई जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। तो भाई इसको हटाते हैं, चलो अपना गेम पर फोकस करते हैं। लेकिन एक मिनट भाई, ये भी तो गेम ही और हम वही तो कर रहे हैं ना। हाँ तो चलो कर लेते हैं भाई। तो अभी ये हमें जो है वो वहाँ पर ले जा रहा है जहाँ पर हमें अपना बिजनेस करना है। तो भाई ये बंदा यहाँ से चला गया है और ये अपना घर है। और भाई अपने घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुकानें हैं। और भाई हमें जाना किस तरफ है, तो हमें इस तरफ जाना है शायद, मेरे ख्याल से तो इसी तरफ जाना है क्योंकि भाई मुझे लगता है ये अपना दोस्त जो है वो यहाँ पर जा रहा है। तो भाई इसको जाने देते हैं, काफ़ी स्लो चल रहा है। बाकी ये एक बहुत बड़ा भाई यहाँ पर एरकेड लिखा हुआ है सामने, ये पता नहीं क्या था। और इसके अलावा यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं भाई, यहाँ पर मतलब पूरी बहुत बड़ी सिटी है अपनी ये। और यहाँ पर अलग अलग तरीके की यहाँ पर शॉप वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो अपना फ्रेंड था वो कहाँ पर गया भाई, वही हमें लोकेशन दिखाएगा ना। अच्छा वो सामने जा रहा है, तो भाई हमें उसके पीछे पीछे जाना है। देखो ये जा रहा है काफी तेजी से, भाई इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। अबे भाई रुक जा यार, हमको भी साथ लेकर चलना। और भाई इसको एक मिनट, भाई इसको दिखाई कैसे दे रहा है, इसकी तो आंखें ही नहीं है भाई, केवल दाढ़ी और मूछ उगा रखी है इसने भाई। ना तो कहीं आंख दिख रही है, ना नाक ना मुंह, और भाई कान भी इसका कहीं दिख नहीं रहा है। चलो चलते हैं भाई। फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोग शायद पहुंच चुके हैं क्योंकि यहाँ पर भाई एक कार्ट तो यहाँ पर है। अच्छा हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यही हमें अपना बिजनेस करना है। ये एक कार्ट है, यहीं पर भाई ये खाना पकाएगा और यहाँ पर मुझे सामान लाकर रखना रहेगा। अभी तो फिलहाल ये ओपन है और अभी मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, देखते हैं भाई क्या बोलता है अभी ये। तो भाई ये बोल रहा है दिस इज इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू मेक बैक्सो, प्लीज पुट इन साइड द कार्ड। और अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि भाई वो बनाने में हमें लगेंगी, तो ये सारी चीज़ें उठाकर हमें जो है ना इस ठेले पर रखनी है, जिसको यहाँ पर भाई अंग्रेज कार्ट बोलते हैं। तो लेकिन हम ठेला ही बोलने वाले हैं क्योंकि भाई ये एक ठेला ही है और हम अंग्रेज नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। तो भाई हम इसको अपने इंडियन लैंग्वेज में ही बोलेंगे ना भाई, कार्ट वगैरह नहीं भाई, ठेला सूट करता है, बढ़िया लगता है। अभी यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने उठा के भाई एक एक करके इस पर रख दी हैं, देखते हैं अभी आगे क्या करना है भाई। ये तो देखें अभी यही कुछ बताएगा भाई कि आगे क्या करना है। अभी क्या बोल रहा है, अच्छा अभी ये कुछ बोला ही नहीं, अब बोलेगा शायद। एक मिनट रुक जाओ, पहले देख लेते हैं, काफ़ी जगह तो है अपने पास, अभी इससे बात करते हैं भाई। एक मिनट कर ले यार, क्यों मुंह फुलाया बैठा है। तो चलो अभी इसने हमसे बात कर ली और ये बोल रहा है भाई यहाँ पर चेयर पड़ी हुई है, उसको उठा के रखो और कस्टमर का वेट करो। ओ भाई यहाँ पर कहाँ है चेयर, ओ ये रही है। अबे भाई ये चेयर थोड़ी ना है, ये तो छोटा सा स्टूल है। तो चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं बढ़िया तरीके से, मुझे लगता है ये सही से नहीं रखा गया। एक मिनट इसको सीधा करके रखते हैं ताकि ना जो कस्टमर है वो हमारे कार्ट की तरफ मुँह करके बैठे। अभी भी ये सही से नहीं रखा गया है, एक मिनट। अबे भाई ये अभी भी सही नहीं रखा रहा है, एक मिनट यार कैसे दिक्कत हो रही है, एक तो ये समझ नहीं आ रहा ना। अबे भाई ये अभी भी वैसे ही रखा रहा है, अभी भाई कस्टमर आएगा पीछे यार पीठ दिखा के बैठेगा। हाँ अभी सही है, ये जो स्टिकर बना है ना ये भाई ये पीछे की तरफ रहता है। अभी यहाँ पर कुछ सामान और पड़ा हुआ है तो इसको भी उठा लेता हूँ क्योंकि मेरा ही होगा ना भाई, मेरी ज़मीन पर सामान पड़ा है तो मतलब जाहिर सी बात है वो मेरा ही होगा। तो इसको उठा लेते हैं और इसको भी ले चल कर रखते हैं अपने ठेले पर। और भाई ये बंदा भी बनाएगा, फिलहाल तो कोई ऑर्डर देने वाला है नहीं, जब कोई कस्टमर आ जाएगा तो ये बनाएगा। तो तब तक के लिए हमें क्या करना है भाई, मुझे लगता है कि हमें तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा।
हाँ एक मिनट भाई, यहाँ पर एक कोई तो कस्टमर आ रही है शायद। हाँ और एक यहाँ पर भाई एक कोई तो शॉप है शायद, मुझे लगता है, पता नहीं क्या है, कुछ तो अजीब टाइप कुछ तो लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है उसका मीनिंग क्या लिखा है। फिलहाल यहाँ पर एक कस्टमर आ गई है और इसने किसी तो चीज़ का भाई ऑर्डर किया है। यहाँ पर ये देखने में भाई इसमें नूडल्स भी पड़ा हुआ है, आलू भी है और पता नहीं क्या क्या है, और ये कुछ तो बना रहा है भाई, देखते हैं बन जाएगा, वो खाएगी हमें पैसा मिलेगा, बस हमें इससे मतलब है। यहाँ पर एक भाई कंप्यूटर का ऑप्शन है, इस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये तो एक कार्ट है अपना। अच्छा यहाँ पर ये बता रहे कि क्या क्या चीज़ें अपने स्टॉक में हैं और कितनी रखनी चाहिए, कितनी भाई मतलब अपने पास हैं, तो ये सारी चीज़ें बताएगा। और ये गैस का भी है साइड में, और इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो भाई यहाँ पर एक बैक्सो मैन का ऑप्शन है, यहाँ पर इसकी कुछ अचीवमेंट है, यहाँ पर न्यूज़ में भाई यहाँ बैक्सो है, पता नहीं क्या ये बैक्सो बैक्सो ये मतलब खाने की चीज़ों में केवल बैक्सो है भाई, समोसा मोमोज या फिर कुछ और नहीं है, पता नहीं। यहाँ पर है तो काफ़ी सारे ऑप्शन, और यहाँ पर ये लूट बॉक्स करके एक पता नहीं क्या है, और इसमें मुझे लगता है मेरे पैसे जाने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं करते हैं क्योंकि भाई अभी शुरुआत है। अगर ओ यहाँ से हम चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं भाई, हमें जो भी ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैंने 3 चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, अब वो कब आएंगी कैसे आएंगी या तो आगे पता चल ही जाएगा। हाँ तो अभी इससे हमें बात करना है फिर से क्या? हाँ तो चलो बात करते हैं ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो भाई कीप इन माइंड एवरी कस्टमर हैव देयर ओन फेवरेट मेनू। अबे हाँ भाई यार, इतना तो मुझे पता है यार कि हर एक लोग को अलग अलग चीज़ पसंद होती है, मुझे क्यों बता रहा है तू? तो अभी ये मुझे कुछ आगे बताने वाला है कि बस हम ख़त्म करें यहाँ पर, अभी जो मेरा मन कर रहा है वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो अच्छा ये अभी हमें कुछ बता रहा है, तो भाई ये वैरूम करके कोई यहाँ पर है बगल शॉप में, और यहाँ पर ये ड्रिंक बेचेगा और हमें कस्टमर के डिमांड के हिसाब से यहाँ से ड्रिंक ले जाकर कस्टमर को देना है, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। वैसे हम ना भी कर सकते हैं ये, पर करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, और भाई पैसे किसको अच्छे नहीं लगते हैं। और इसके अलावा भाई यहाँ पर ये सुपरमार्केट है, यहाँ से हम सब्जियाँ वगैरह खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं इसके आगे क्या चीज़ें हैं। तो वैसे मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा हैं भाई, शॉप वगैरह बहुत थी अपने सिटी में, वो तो हम देख लिए थे रास्ते में। यहाँ पर से हम चेयर टेबल्स वगैरह खरीद सकते हैं, और देखते हैं आगे क्या चीज़ें, अभी हमें क्या क्या दिखा रहे हैं। यहाँ पर बुक्स और कैसेट्स हम खरीद सकते हैं, तो मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर अपने सिटी में मिल जाएगी। यहाँ पर एक घर है, वो पता नहीं क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी बाद में हम देखेंगे। यहाँ पर भाई ये एक पॉन शॉप है, यहाँ से हम चीज़ें बेच सकते हैं हमारे पास जो होंगी। और उसके बाद भाई यहाँ पर क्रैकर्स हैं जो हम ख़रीदेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर कुछ लैंड्स हम खरीद कर यहाँ पर हम भाई जो है वो प्लांट लगा सकते हैं, और कुछ नए नए आइटम्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और ये एक पार्क टाइप तो यहाँ पर बना हुआ है शायद से, हाँ पार्क ही होगा। और देखते हैं इसके आगे क्या है, भाई ये दिखा तो काफ़ी कुछ रहा है, वैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं। और भाई फाइनली यहाँ पर ये इसका काम ख़त्म हो गया, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर देख लेते हैं, अब भाई यहाँ पर तो एक तगड़ी शॉप है, यहाँ पर टॉयलेट वगैरह मतलब वो कमोड वगैरह बिक रहा है, तो उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी लेकिन आगे, क्योंकि अभी शायद उतने पैसे अपने पास है नहीं, $10,000 अपने पास हैं, ऐसा उसने बोला कि भाई हम $10,000 से। एक मिनट, ये कौन है भाई? ये कोई क्रिमिनल है, और भाई अगर मुझे ये दिखा तो मुझे तुरंत जाके पुलिस के पास कंप्लेन करनी होगी। पर यहाँ पर पुलिस का ये एरकेड करके कुछ तो है भाई, एरकेड मतलब गेमिंग से रिलेटेड ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, और यहाँ पर एक भाई शॉप और है, यहाँ से हम सीड वगैरह खरीद कर प्लांट कर सकते हैं इसको। तो मतलब हाँ, इसके बारे में तो अपने भाई वो फ्रेंड ने बताया था जो बैक्सो मैन है, बैस्को बैक्सो, भाई यार मैं तो इसी में कन्फ्यूज हूँ कि बैस्को है कि बैक्सो है। एक यहाँ पर ये सुपरमार्केट है जहाँ से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये भाई कुछ मसाले वगैरह हैं, और यहाँ पर नूडल्स मिल रहे हैं मतलब जो कि कच्चे हैं, उसको पकाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है चिल्ली वगैरह है, और भाई यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं, इसके अंदर भाई जो है वो मिल्क रखा हुआ है फ्रिज के अंदर है जो। और यहाँ पर ये भाई ये क्या है, ये बैक्सो है। अच्छा यही मेन है, मतलब हर एक चीज़ में ये पड़ेगा, मतलब जो मेन आइटम है वो यही पर है, जिसको हम लोग बैक्सो बोलते हैं यहाँ पर, और वही अपने गेम का नाम भी है। यार मैं बार बार क्यों भूल जा रहा हूँ ये चीज़। तो अभी क्या है ना कि अभी हम लोग चलते हैं भाई जहाँ पर अपना ये बिजनेस ना इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि भाई मेन काम अपना वहीं पर है। तो वहीं से हमें देखना है कि भाई कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर के क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है, और उनको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, बैठने के लिए चीज़ें हैं या फिर नहीं है। तो अभी हम लोग पहुँच जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भाई देखेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर हम लोग कुछ ला कर देंगे इन्हें। और यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर ये क्या भाई पता नहीं क्या क्या ही मिल रहा है, फिलहाल अभी मैं देख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, इग्नोर ही करता जा रहा हूँ।
और यहाँ पर अभी अपने पास $10,000 हैं और $60 हम कमा चुके हैं, मतलब कि $10,060 हैं। तो यहाँ पर भाई कुछ चेयर वगैरह ले लेते हैं। और हाँ, रेट देखकर भाई नहीं पता चला 10,000 एक बार में ही घुस जाए। ये 3,000 का है, ये 650 का है, वैसे हम इसको ले सकते हैं तो इसको ले लेते हैं। तो भाई मैंने वहाँ से एक लॉन्ग चेयर ले ली है। इसके बाद हमें एक छोटे छोटे चेयर्स भी चाहिए होंगे एक लोग के बैठने के लिए, तो भाई 4 मैं इसको ले लेता हूँ। और उसके बाद फिर एक ये वाला प्लास्टिक वाला टेबल, क्योंकि ये 400 का है, तो भाई ये प्लास्टिक वाली चीज़ें सस्ती है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं, क्योंकि अभी बिजनेस का शुरुआत ही है, तो इतनी चीज़ें भाई इनफ है। तो इन सबको लेकर चलते हैं और भाई इनको जो है बढ़िया तरीके से वहाँ पर रखते हैं, ताकि कस्टमर आएँ और आराम से भाई राजा की तरफ बैठकर यहाँ पर आराम से वेट करें। और जब इनको भाई इनकी चीज़ें मिल जाए तो आराम से भाई खाएं और निकलें यहाँ से। अभी यहाँ पर मैंने टेबल रख दिए, तो इसके भाई चारों तरफ ना एक एक जो है वो चेयर हम लोग लगा देंगे। एक अपने पास पहले से ही थी, 3 मैंने खरीदी है, तो भाई टोटल 4 चेयर अपने पास है, जिसमें से भाई मैंने 2 लगा दी है। 2 यहाँ पर एक इस तरफ लगाएंगे और एक भाई दूसरी तरफ, तो एक यहाँ पर भी लगा दिए, अभी एक यहाँ पर लगा देते हैं। तो भाई यहाँ पर चारों चेयर्स हम लोगों ने लगा दिए और बीच में एक टेबल भी यहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर अभी एक लॉन्ग चेयर है, तो इसको हम लोग यहाँ दीवार से सटा कर, नहीं यहाँ पर कुछ बढ़िया नहीं लगेगा, यहाँ पर इसको हम लोग एक मिनट यहाँ पर लगा देते हैं ना, ये पोल के पास। भाई ये अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठेंगे और कुछ लोग भाई उस चेयर पर बैठेंगे, तो मतलब अभी यहाँ पर लगभग 8-9 कस्टमर आराम से बैठ सकते हैं, 8 तो आराम से बैठ ही सकते हैं। और क्योंकि भाई अभी ज़्यादा कस्टमर आया नहीं है फिलहाल, मुझे लगता है स्टॉक में अपनी सारी चीज़ें हैं भाई, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी हमें लेने की ज़रूरत है नहीं। पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर अपने पास क्योंकि है, तो यहाँ से हम लोग ना कुछ चीज़ें भाई ऑनलाइन जो है वो मंगवा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मिल्क वगैरह हो गया है, तो यहाँ पर ये मिल्क हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, अभी स्टॉक में भी है। और यहाँ पर भाई मैंने और कुछ चीज़ें भी जो है वो ऑनलाइन कर दी है, जैसे कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सुपरमार्केट की चीज़ें थी वो मैंने ऑनलाइन कर दी है, एक एक सारी चीज़ें। अभी देखने वाली बात यह भाई कि वो जो पैकेज है अपना, मतलब जो हमने ऑर्डर किया है, वो कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा। और यहाँ पर भाई अपने कस्टमर जो है वो ड्रिंक्स की भी डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 टाइप की ड्रिंक्स है, तो यहाँ पर सारी ना मतलब हम जो है वो 5-6 खरीद लेते हैं एक साथ, फिर उठा उठा कर केवल देना ही रहेगा, बार बार इनको जो है वो ना हमें जो है वो परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी ड्रिंक्स हमने जो है वो बाई कर ली है और यहाँ पर इस कस्टमर को देते हैं। अब भाई यहाँ पर एक मिनट, मच्छर भी भाई इधर उधर जो है वो टहल रहे हैं, मतलब कि मतलब मुझे अपने कस्टमर्स को भाई मच्छरों से भी बचाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर अलाउड तो असर नहीं करेगा, एक कॉइल लाकर लगानी पड़ेगी। और भाई वो कॉइल कहाँ मिलेगी वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर ड्रिंक उठाते हैं और अपने कस्टमर्स को जो चाहिए ना वो देते हैं, और मैं सारी ड्रिंक्स यहाँ पर उठा लेता हूँ एक एक करके, मतलब 3 टाइप की ड्रिंक्स ही है, तो तीनों टाइप की ड्रिंक हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर इन कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो इसको ये वाली चाहिए तो ये दे देते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर अपने इस कस्टमर को एक पानी चाहिए तो इसको भी दे देते हैं। और अभी हमें जो चाहिए था वो है भाई यहाँ पर कॉयल मच्छर मारने के लिए, तो यहाँ पर तो भाई टेबल वगैरह मिलती है। और एक मिनट इस वाले दुकान में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या मिल रहा है। अबे भाई यहाँ पर कॉयल मिल रही है, मतलब भाई यार हम लोगों का जो किस्मत है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, पहले ही दुकान पर यहाँ पर कॉयल मिल गई है। और यहाँ पर न्यूज़पेपर है, यहाँ पर एक मॉस्किटो कॉयल है, तो ये 50 की है भाई, एक हमने ले ली है तो इसको उठाते हैं। और एक मिनट भाई मैंने गलती से यहीं पर जला दी, एक मिनट इसको उठा लेते हैं, नहीं तो भाई यहीं पर जलकर ख़त्म हो जाएगी और हमारे कस्टमर को मच्छर जो है वो काटता रहेगा। अभी ये कॉयल ले चलकर भाई हम लोग इसको बीच में रखते हैं, पर बीच में आएगा नहीं, साइड में रख तो दिया भाई, पर इधर वाले कस्टमर्स को ना वो डिस्टर्ब करेंगे मच्छर, तो मैं सोच रहा हूँ ना इधर पर रखते हैं। एक मिनट भाई ये जो है वो नीचे के साइड अगर आ जाए तो बढ़िया रहे भाई, सभी को जो है वो एडजस्ट कर ले गए एक ही कॉयल पर, इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, दोनों तरफ के कस्टमर्स को ये एडजस्ट करेगा फिलहाल। और इसके बाद अभी हम लोग क्या करें भाई, यहाँ पर इन लोग को कुछ ड्रिंक्स चाहिए तो वो हम इन्हें सर्व करते हैं, पर यहाँ पर ड्रिंक्स की डिमांड तो कोई कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स हमने जो है वो ख़रीद ली है। तो भाई इनमें से ना एक एक ड्रिंक करके उठाते हैं, और भाई उसके बाद ये ना हम 5 ही एक बार में कैरी कर सकते हैं, तो बाकी सारी हम ना वो टेबल पर ले जाकर रख देंगे, ताकि भाई इन कस्टमर्स को जो चाहिए हो वो अपने आप ही ले लें और भाई पैसे देकर जाएं, बार बार इन्हें देना ना पड़े। तो मैं यहाँ पर आराम से रख देता हूँ जितनी भी टाइप की यहाँ पर ड्रिंक्स है सारी, भाई एक एक दो दो रख देंगे। तो यहाँ पर भाई मैंने 2 ड्रिंक्स रख दिए टेबल पे, एक ये तीसरी, ये यहाँ पर ये कोक है शायद, तो हाँ इसको भी रख देते हैं।
और यहाँ पर भाई पानी भी है, कोको कोला भी है, और एक तो और है वो पता नहीं कैसी ड्रिंक है, वो मुझे नहीं पता। हाँ तो उसको भी रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी बात मैं कर रहा था भाई, ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक है ये मुझे नहीं पता। फिलहाल 5 बॉटल मैंने जो है वहाँ पर रख दी है, और अभी यहाँ पर एक कस्टमर को चाहिए तो उसको उठा लेते हैं, ये वाली ड्रिंक चाहिए, और यहाँ पर एक दो और उठा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कस्टमर को पानी भी चाहिए था। हाँ तो यहाँ पर इसको ये दे देते हैं और इसको ये दे देते हैं, तो अभी ये ठीक है। और यहाँ पर भाई एक मिनट, यहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ है। अबे वो ये वही सामान नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा ये मतलब जो हम ऑर्डर करेंगे वो यहीं पर आएगा सामान। अच्छा तो मतलब पता तो चलना चाहिए यार, मतलब पता नहीं कब से आया पड़ा हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ अभी तक मेरा सामान नहीं आया। तो यहाँ पर रखते हैं, और एक मिनट, अबे भाई इसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इस कार्ट में रखने के लिए ठेले में। अच्छा यहाँ पर हो सकता है ना रखा जाए, उसके लिए दूसरी जगह होंगी। पर फिलहाल भाई इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो मज़ा आ रहा है गेम खेलने में, और भाई आगे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आप लोगों को भी मज़ा आया हो भाई, बढ़िया लगी हो गेम प्ले वीडियो, तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप भाई चाहते हैं कि ये वाले गेम की गेम प्ले सीरीज भाई इस पर, इस चैनल पर कंटिन्यू आती रहे, तो कमेंट में मुझे भाई बताना मत भूलिएगा कि आपको इसकी सीरीज चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।